The question is, if alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial this, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma. ओके, तो यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1 और इसका रूट दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका ये तीनों रूट है। तो यहाँ पे कंडीशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और बी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 6, तो माइनस बी बाई ए होगा माइनस 3/6 मीन्स माइनस 1/2। ओके, और सेकेंड होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, सी का वैल्यू है -5, तो सी बाई ए होगा -5/6। ओके, उसके बाद एक और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है -d/a, तो -d/a, d का वैल्यू है 1, a का वैल्यू 6, तो -d/a होगा -1/6। ओके, तो अब वैल्यू फाइंड करना था 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा का। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा दिस इक्वल टू कितना होगा फाइंड करना है। यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये लिखा हुआ है, जिसका वैल्यू यहाँ पे था -5/6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैल्यू, तो ये होगा -5/6 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये था -1/6। तो यहाँ से 6 और 6 डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 5। तो ये हो गया 5 इसका आंसर।